स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। बाकी दोस्तों मैं भी एकदम मस्त हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। और बीच में नवरात्रि में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और मैं आपके लिए कोई ख़ास स्पेशल ब्लॉग नहीं बना पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं दोस्तों अपनी सबसे बड़ी वाली दीदी को भिठोली देने के लिए, जो हमारे साथ में भोपाल रहता है, भांजा हमारा, उसकी मम्मी, और उनका घर है देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के भंडार गांव में। तो फिलहाल अभी दिन के बजे हैं 3 और हम लोग धर्मगढ़ से चौकोड़ी, उदियारी बैंड, थल और चेटाबगड़ होते हुए जा रहे हैं भंडार गांव की तरफ। और अभी हम लोग पहुँचे हैं कांडा किरौली में। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, काफ़ी दूर जाना है, तो रुकने का टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलते चलते ब्लॉग की शुरुआत करता हूं। और आपको आज मैं दिखाऊंगा भंडार गांव का नज़ारा शाम के समय में, और उसके बाद कल हम लोग आएंगे वहां से वापस कपकोट बागेश्वर होते हुए। तो मेरे साथ में मेरी वाइफ भी है जो अभी वीडियो बना रही है, और साथ में हर्षु भी है। तो फिलहाल निकलते हैं, आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों आपने देखी कांडे किरौली की एक छोटी सी मार्केट, जो कि उडियारी बैंड से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे है। और अभी मैं यहां से जाऊंगा जाखरावत होते हुए कालेटी और हजेती होते हुए थल, और मैं आपको यहां का नज़ारा दिखाऊंगा। आजकल लोग खेतों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, काम कर रहे हैं खेतों में, और हम लोग बस घूमने में ही हैं, क्योंकि काम धाम हमारा कुछ है नहीं। और इसको भी आप देख सकते हैं, देखो अगर ये घर में होती तो कुछ काम करती, लेकिन ये अभी मेरे साथ घूम रही है, भिठोली देने आ रही है दीदी को। तो यार दोस्तों पिछले कई दिनों से कोई ख़ास ब्लॉग मैंने इस चैनल में नहीं डाला, और रीज़न ये था कि मैं नवरात्रियों में अपने सनगाड़ गांव में, जो भगवान नौलिंग देवता का दरबार है, वहां पे बिजी था, और वहां पे ही मैं लगातार जा रहा था पूरी नवरात्रि में, कहीं दूसरे नए मंदिर में जाने का मुझे मौका नहीं मिला। आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ नया ब्लॉग देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने कोई भी इस टाइप का स्पेशल ब्लॉग नहीं डाला, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैं आप सभी को दिखाता हूँ इसके बाद जाखरावत गांव, फिर कालेटी, फिर हजेती, उसके बाद थल। तो आप लोग बने रहिए, मैं जो भी मुझे लगेगा कि आपको दिखाना चाहिए तो दिखाऊँगा। तो साथियों ये जाखरावत था, और इसके बाद कालेटी गांव आता है। और मैं अगर जाखरावत, कालेटी यहाँ की अगर बात करूँ, तो ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है, काफ़ी सुंदर सुंदर गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, और एकदम मेन हाईवे से लगे हुए गांव हैं, जो कि बेरीनाग विकासखंड के अंतर्गत आते हैं और पिथौरागढ़ ज़िले में ये आते हैं। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ जाखरावत के नेक्स्ट गाँव में, मतलब कि कालेटी में। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कालेटी का नज़ारा, आप बने रहिए ब्लॉग में और देखिए यहाँ से कालेटी का सुंदर सुंदर नज़ारा।
अभी हम लोग कालेटी से भी आगे जा चुके हैं और मैंने आपको दिखाया कालेटी गांव का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यहां पे दोस्तों मैं कई बार आया हूं, मैंने यहां पे फ़ोटोशूट भी किया हुआ है किसी शादी में। और अगर आप लोग कालेटी गांव से हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा घना सा चीड़ का जंगल है, हजेती का जंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, और आजकल फायर सीज़न है तो यहाँ पे कभी कभार आग भी लग जाती है। आग लगने से चीड़ के पेड़ भी जल जाते हैं, पिछली बार तो बहुत ज़्यादा आग यहाँ पे लगी हुई थी। सो गाइस, अभी शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और हम लोग हैं इस समय थल में, और यहाँ पे हम लोग लगभग 4:30 बजे पहुँच गए थे। तो मुझे थोड़ा सा काम करना था, यहाँ पे हमारे कोई मित्र हैं गुड्डू पाठक जी, वो हमारी शादियों की वीडियो एडिटिंग करने का काम करते हैं, तो उनके पास गया था मैं, तो वहाँ का मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। मैं तो भूल ही गया था कि मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ करके। तो जैसे ही मैं आधी मार्केट में पहुँचा तब जाके याद आई, तब जाके मैंने थोड़ा सा थल मार्केट का नज़ारा आपको दिखाया। तो अभी थल से नाचनी की तरफ हम लोग जा रहे हैं और लगभग 15-20 मिनट में हम लोग नाचनी पहुंच जाएंगे। नाचनी से लगभग 1-2 किलोमीटर पीछे से चेटाबगड़ के लिए रोड जाती है, तो वहीं से हम जाएंगे भनार के लिए। तो फिलहाल हम लोग थल से आगे जहां से एक सड़क नाचनी को जाती है और एक सड़क जाती है यहाँ से डीडी हाट के लिए, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाली सड़क जाती है दोस्तों डीडी हाट के लिए, और हमको जाना है सीधे नाचनी की तरफ, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे को, आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में। और पीछे देखिए हर्षू को कितना ज़्यादा खुश हुआ है ये आज अपनी बुआ के घर जाने के लिए, और इसको बहुत अच्छा लगता है। ये कभी कभार बोलते रहता है कि भनार जाते हैं भनार जाते हैं, तो आज इसकी मन की बात हम लोग पूरी कर रहे हैं, इसको भनार लेके जा रहे हैं अपने साथ, और वहाँ पर खूब मस्ती करेगा आज। क्यों हर्षू, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहाड़ी में बोल तो कैसा, कस लगोना तो कहें बनार जाना है, कस लगोना भले लगोना वा। तो यार इसको पहाड़ी बोलनी तो आती है लेकिन ये शर्माता है। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप कभी कभी पहाड़ी भी बोल लिया करो, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पहाड़ी भाषा समझ में नहीं आती है, मतलब कि वो हमारे उत्तराखंड के ना होके बाहर के हैं, जो कि पहाड़ी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पे हिंदी बोलनी पड़ती है। वरना मुझे भी अच्छा लगता है पहाड़ी बोलना, और मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं पहाड़ी में वीडियो बनाऊँ, लेकिन जब मैं पहाड़ी में कोई ब्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे उन सब्सक्राइबरों की याद आ जाती है जो अपने उत्तराखंड के बाहर के हैं, और अगर मैं पहाड़ी में ही ब्लॉगिंग करूँगा तो फिर वो लोग कैसे समझ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। तो इसीलिए थीम मेरा पहाड़ी होता है, मैं पहाड़ी चीज़ों को ही दिखाता हूँ, पहाड़ के कल्चर को दिखाता हूँ। इस समय मैं पहुंच चुका हूं नाचनी से लगभग 2 किलोमीटर पीछे। ये आप देख सकते हैं यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, यहां से मुनस्यारी की दूरी है 60 किलोमीटर, और तेजम 9 किलोमीटर, और चेटाबगड़ है 7 किलोमीटर। तो हम लोग अगर मुनस्यारी जाएं तो हमको यहां से सीधे आगे जाना होता है, अगर हम लोगों को चेटाबगड़ या भनार जाना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ से बाएँ जाएँगे, तब जाके हम लोग चेटाबगड़ होते हुए भनार पहुँचेंगे। तो फिलहाल ये देखो क्या हाल है, ये देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही ब्लॉगिंग कर रहा था यहाँ पे एक मेरा भाई है गणेश कोरंगा,
ये मिल गया है देखो मुझे, कहाँ से आ रहे हो? मैं थल तक गया। और सब बढ़िया? तो अभी कहाँ नाचनी है? घर को? मैं दुकान में। अच्छा दुकान में। तो यार इसकी नाचनी में दुकान है गणेश कोरंगा, इसको आप सभी लोग जानते हैं। कुछ समय पहले इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, सभी लोगों ने मिलके इसका ट्रीटमेंट किया था। अब कैसा है स्वास्थ्य? बढ़िया है। सही है ना? सही है। तो फिलहाल मैं थोड़ी देर इनसे मुलाकात करता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे को, आप लोग बने रहो ब्लॉग। तो यार दोस्तों ये मेरे मामा का लड़का है गणेश कोरंगा, जो मुझे यहाँ पे मिल गया था। इसकी नाचनी में दुकान है, और कुछ समय पहले दोस्तों इसकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई थी, किडनी ख़राब हो गई थी, तो इसका किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। इसके पापा ने किडनी डोनेट करी थी, और हम सभी ने, आप सभी लोगों ने मिलके, बहुत सारे लोग शायद जो मेरे फेसबुक से जुड़े हैं वो सभी जानते हैं, और इसके इलाज के लिए हम लोगों ने डोनेशन जमा किया, तब जाके इसका ट्रीटमेंट किया। अभी लगभग 5-7 साल हो चुके हैं, तो ये काफ़ी स्वस्थ है अभी आप लोगों की कृपा से। तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से पीछे जो बड़ी सी नदी आ रही है, ये रामगंगा नदी के नाम से जानी जाती है, जो थल मुआनी होते हुए आगे जाती है, काली नदी में मिलती है। और फिलहाल हम लोग निकलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे चेटाबगढ़ भंडार के लिए। आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में, मैं आगे का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए, ये जहाँ भी जाती है बस इसको फोटो लेने होती हैं। ये देखो है? उसके बीच में जाने का मन कर रहा है, कितना ज्यादा है भी उसके बीच। किसके बीच में? वो नदी के बीच। नदी के बीच में जाएगा तो तू बच जाएगा, वहाँ से बहेगा नहीं। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि मुझे वहाँ जाने का मन कर रहा है, बोल रहा है मतलब कि हर्षु को उस नदी के बीच में जाने का मन कर रहा है। तैर लेगा तो उसमें? हाँ, मैंने यूट्यूब में देखा है। क्या देखा है? कि कैसे तैरते हैं, अपने दोनों हाथों से पानी को पीछे करके आगे को बढ़ते हैं। अच्छा तो क्या सोच रही है? कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखे कुछ लोकल की महिलाएं शाम को इवनिंग वॉक कर रही है, तो ये देखिए उनको, क्योंकि ये लोग भी घूमने जाते हैं शाम को। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए अच्छे से। ये सड़क है जो कि तेजा मुंशियारी के लिए जाती है, मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। मुंशियारी यहाँ से 60 किलोमीटर है, और तेजम यहाँ से 9 किलोमीटर है, और चेटाबगढ़ यहाँ से 7 किलोमीटर है, जो कि ये रोड है। सो गाइस फिलहाल रात के 9 बजे हैं, और अभी मैं हूँ अपने दीदी के घर में। और मैं आप सभी को बता दूँ, हम लोग यहाँ पे लगभग 7:30 बजे पहुँच गए थे, और जैसे ही हम लोग पहुँचे भंडार गांव में, तो मेरे GoPro की बैटरी एकदम फिनिश हो चुकी थी, चार्जर इसका ख़त्म हो चुका था, तो मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो फिलहाल हम लोग खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे हैं, और आज के ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। और कल हम लोग जब वापस यहाँ से जाएंगे अपने धर्मघर, तो मैं कल का ब्लॉग बनाऊंगा, आप सभी को दिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक और शेयर कर देना, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये देखिए सामने मेरी दीदी है, और देखो हर्षु बैठा है अपनी बुआ के साथ में। हर्षु कैसा हो रहा है यहाँ? इधर आई बार, इधर आई बार। ये देखो ये हर्षु है, यहाँ पे आके गेम खेल रहा है। ऊपर देख, इधर देख, कैसा लगा यहाँ? अच्छा। कोको देखा नहीं तूने? कोको? हाँ हाँ देखा। कहाँ है? वाले रूम में, उधर वाले। अच्छा उधर वाले रूम में। क्या कर रहे हैं तू? ये वाला गेम खेल। तो अभी हर्षु खेल रहा है मोबाइल में गेम। और मैं आप सभी को बता दूं, जो हम लोगों ने यहाँ पे एक डॉग दिया था, छोटा सा पिल्ला था उस समय, कोको, तो वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो उसने हमको पहचान लिया, और खूब ज़्यादा वो हमसे प्यार करने लगा। तो फिलहाल वो कहीं दूसरे कमरे में सोया है। कल सुबह जब मैं अगला ब्लॉग शूट करूँगा, तो अगले ब्लॉग में मैं आप सभी को कोको से भी मिलाऊँगा। तो फिलहाल करता हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। आप सभी अपना ख्याल रखें, और मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।